नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बताएंगे पुत्रदा एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, पूजन विधि क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सच्चे मन से यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो, उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 जुलाई को पड़ रहा है। साल में दो पुत्रदा एकादशी आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह में पड़ता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है, उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो यह व्रत रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं। संतान दीर्घायु होती है, उसको कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसकी पूजन विधि का शुभ मुहूर्त क्या है उसे बताने जा रहे हैं। एकादशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई को सुबह 1:16 पर होगा। एकादशी समाप्ति 30 जुलाई को रात 11:49 पर होगा। व्रत के पारण के समय 31 जुलाई की सुबह को 5:42 से 8:24 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि 10:42 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत निर्जला किया जाता है, लेकिन क्षमता के अनुसार इसे जल के साथ भी किया जा सकता है। संध्या के समय फलहार कर सकते हैं। अगर आपको एकादशी का व्रत रखना है तो दशमी तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। द्वितीय तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में से विष्णु जी की पूजा करके किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत में ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन भी करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसकी पूजन विधि क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा घर में श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प करें। धूप दीप दिखाएं और विधिवत विष्णु जी की पूजा करें। अंत में आरती उतारें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। शाम के समय कथा पढ़ें या सुनें। उम्मीद है दोस्तों, आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय विष्णुदेव।